अगर हमारा घर हरा भरा रहेगा तो वातावरण भी हमें अच्छा लगेगा। कुछ ऐसे प्लांट्स जो हमारे घर को स्वच्छ रखते हैं, स्वच्छ वायु देते हैं, एयर प्यूरीफाई होते हैं, इंडोर प्लांट होते हैं और बेहद सुंदर होते हैं। कई प्लांट्स ऐसे लगते हैं जैसे आर्टिफिशियल हों, तो उन्हीं में से एक प्लांट है एग्लोनीमा। तो रजनी किचन गार्डन एंड ब्लॉग में आप सबका तहे दिल से आगमन। तो यह एग्लोनीमा, इस पौधे की कई वैरायटीज होती हैं, बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही हरा भरा यह पौधा लगता है। और ऐसा नहीं है कि इसमें फ्लावर ना आते हैं, फ्लावर इसमें आते हैं। जैसे पीस लिली का प्लांट्स आप सब ने देखा होगा, उसी तरह से इसमें भी फ्लावरिंग होती है। किंतु इसमें जैसी फ्लावरिंग होती है तो यह पौधा फिर बढ़ना बंद कर देता है। तो हमें इसकी केयर कैसे करनी चाहिए और इंडोर इसे कैसे बनाना चाहिए, तो आज इसी में ही एक इन्फॉर्मेशन, छोटी सी आप सबके लिए जानकारी और कुछ जानकारी मेरे लिए भी है ना। तो एग्लोनीमा जो कि बहुत ही खूबसूरत प्लांट होते हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटीज आपने देखी होंगी, कलरफुल देखे होंगे, पिंक, रेड, बिल्कुल ग्रीन कलर का। तो इसे एवरग्रीन प्लांट भी कहा जा सकता है और कहते भी हैं, चाइनीज़ में एवरग्रीन प्लांट कहा जाता है। और यहाँ क्योंकि हरा इसलिए होता है, हमेशा मतलब इतना हरा भरा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ जंगलों का प्लांट है, रेन फॉरेस्ट का प्लांट है। इतना हल्की सी से नमी चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस यहाँ सहन नहीं करता और बहुत ज़्यादा पानी भी यहाँ सहन नहीं कर सकता। तो इसकी इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं और कई प्लांट, एक प्लांट आप लेंगे तो उससे कई प्लांट आप बना सकते हैं। और जैसे यहाँ कटिंग मैंने कर ली तो इसमें रूट्स 1 वीक में ही इसमें रूट्स निकल आती हैं। चाहे आप इसमें पिंक कलर का ले लीजिए और चाहे है आप वाइट से कलर का ले लीजिए। यहाँ ग्रे सा है और बहुत सुंदर लगता है। मेरे पास में इसकी 3 वैरायटीज हैं, एक जैसे वाइट बिल्कुल वाइट कलर का है, वहाँ मेरी आंटी ने मुझे गिफ्ट दिया था। और इस तरह से इसमें रूट निकल आती हैं और यहाँ आप पिंक और वाइट देख ही रहे हैं। तो इस तरह से इस पौधे को आप बहुत सुंदर से घर को और भी अच्छा सुंदर सजा सकते हैं। और इसमें जैसे कि बता दिया है कि बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होनी चाहिए और सनलाइट इसे डायरेक्ट नहीं चाहिए होती है, छनी भी चाहिए होती है। आजकल जैसे सनलाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट है तो आप इसे सनलाइट में रखेंगे तो शाम तक आप देखेंगे इसके पत्ते मुरझा गए, जल गए, तुरंत जलने लग जाते हैं पत्ते, क्योंकि यहाँ रेन फॉरेस्ट वाला प्लांट है। पेड़ों के बीच में यहाँ प्लांट्स उपज जाता है क्योंकि प्लांट्स बड़े बड़े पेड़ों से इसमें छाए रहती है। और क्योंकि यहाँ रेड कलर का है, इसकी जो किनारियाँ होती हैं वह रेड कलर की होती है, तो इसका नाम है रेड लिपस्टिक एग्लोनीमा। और यहाँ देखिए आप बीच में पिंक है और इधर उधर ग्रीन कलर का है। और यहाँ मैंने जो छोटा सा एक इंडोर प्लांट बनाया, छोटे से ये किसी ने गिफ्ट दिया था तो उसका प्लांट मैंने किसी और चीज़ में लगा दिया था। और ये देखिए इसमें मैंने यह प्लांट लगाया और कितना खूबसूरत लगता है। बहुत ये एक कॉर्नर टेबल है जिसमें मैंने इसे लगा दिया था और बहुत अच्छे से चल रहा है। तो आप एग्लोनीमा को ले सकते हैं और इंडोर भी बना सकते हैं। इस यह प्यूरीफाई प्लांट है, हवा को शुद्ध करता है। तो आप इनको जब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस 100 से 400 के बीच में होता है। जितना सुंदर प्लांट होगा, जितनी जिसकी लीव सुंदर होंगी, जितना सुंदर कलर होगा, उतना ही सुंदर उसका रेट भी होगा। और कंपोस्ट इसमें कुछ खास नहीं पड़ता है, जो भी कंपोस्ट आपके पास अवेलेबल हो वही आप इसे दे सकते हैं। तो आप एक छोटे से प्लांट से कई प्लांट्स बना सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और इसी के साथ आप लोग कमेंट्स भी कीजिएगा कि आपके पास में कौन से कलर का प्लांट है और उसे ज़रूर से इंडोर बनाइएगा। तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।